Assalamualaikum guys, today we will be driving quadratic formula. तो शुरू करते हैं. जैसे कि आप जान सकते हैं कि quadratic का जो सिंपल फॉर्म होता है, quadratic equation की सिंपल फॉर्म होती है वो इस हालत में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ए बी और सी कॉन्स्टेंट है और हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी वजह से फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, लीनियर फार्मूला बन जाता है. तो पहला स्टेप जो होगा वो मेरा ये होगा कि मैं ए से जो है पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ गई है. ज़ीरो जो है जब डिवाइड होता है ए से तो उसमें वो ज़ीरो ही बचता है. ठीक है, तो ये तो बेसिक ऑपरेशन आपको पता होगा. अब मैं ऐसा करूँगा कि ए सी और ए जो है वो मैं दूसरी साइड पे भेज दूंगा. ठीक है, और ए टू से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा इसको. अगर आप सोचेंगे कि क्यों किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा होगा फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ. तो इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में ये टू है और मैं भी इसमें टू लाना चाहता हूँ ताकि मैं इसे पूरे इस स्क्वायर में बंद कर सकूँ. ठीक है, तो ये जो है इसका अगर आप कह लें कि ये बी पार्ट जो है, तो अगर आप इसे ए पार्ट समझें और ये इसका बी पार्ट समझें, तो मैं इस बी पार्ट को यहाँ लाना चाहता हूँ जो कि बी स्क्वायर है. ठीक है, तो बी ओवर टू ए एक्स प्लस बी ओवर टू ए. अब ये गोल्डन प्रिंसिपल है अलजबरा का कि जो काम आप एक साइड पे करते हैं वही काम आपने दूसरी साइड पे भी करना है. तो मैं बी ओवर टू ए जो है दोनों साइड पे ऐड कर देता हूँ. अब आप देखिए कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक बनता है. तो कानूनी तौर पे मैं इसको बंद कर सकता हूँ ऐसे. ठीक है, और उसको ज़रा मैं ओपन कर सकता हूँ. सी ओवर ए माइनस होगा और ये बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं ऊपर की जगह को साफ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए लिखने के लिए. इसको भी मिटा दूंगा मैं, तो इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ. अब आप देखिए कि इनके बेस इनकी जो डिवाइड इसको अगर आप जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है. ठीक है, तो सी ओवर ए माइनस सी ओवर ए को सेम बनाने के लिए, ए को सेम बनाने के लिए, फोर ए स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ऊपर जो है, एक मिनट, ऊपर जो है कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं ज़रा बी स्क्वायर को इस तरफ कर लेता हूँ. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फोर मल्टीप्लाई करना चाहिए सी के साथ और डिवाइड. ठीक है, और एक और मज़ीद ए का इजाफा करना चाहिए ताकि ये ए स्क्वायर बन जाए. तो ये हो जाएगा माइनस फोर ए सी और नीचे हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर. क्योंकि अगर मैं कैंसलेशन करूँ तो मैं वापस उस हालत पे आ जाता हूँ. तो उसका मतलब है कि मैंने ठीक ऑपरेशन परफॉर्म किया. ठीक है, अब ये हो गया. तो मैं इनको कंबाइन करता हूँ इन टर्म्स को. ऐसे अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ. तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी साइड पे प्लस और माइनस जरूर पड़ेगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के ऊपर आएगा. तो न्यूमरेटर को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर पे पड़ेगा तो ये टू हो जाएगा और ये सिंपल ए हो जाएगा. ऐसे
तो इस पोर्शन को मैं यहाँ लेके आता हूँ और उनको कंबाइन कर लेता हूँ। फाइनली हमारे पास इन फेमस क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। तो ये थी हमारी डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला की। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में इस तरह वीडियो देख सकें।